स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा को एक युवक ने अपनी पत्नी होने का दावा किया है। उसने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व 2019 में ही उनकी शादी संगमित्रा मौर्य से हुई थी। उसने MP MLA कोर्ट में साक्ष्य भी पेश किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और संगमित्रा मौर्य समेत 5 पर लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा परिवार विवादों में घिर गया है। एक शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य को अपनी पत्नी बताया है। इस शख्स ने कोर्ट में उसका सबूत भी पेश किया है। इसके बाद MP MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संगमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरअसल लखनऊ MP MLA कोर्ट में उक्त शख्स द्वारा पूर्व में की गई अपील पर परिवाद दाखिल किया गया था, उसी मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला धोखाधड़ी और मारपीट और धमकाने का है। लखनऊ निवासी दीपक कुमार सोनकार ने संगमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया था। इसी मामले में MP MLA कोर्ट ने 6 जनवरी 2024 को सारे आरोपियों को तलब किया है। दीपक कुमार ने जो अर्जी दी थी उसमें उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व 2019 में ही उनकी शादी संगमित्रा मौर्य से हुई थी। दीपक कुमार ने कोर्ट में दिए अपने अर्जी में बताया है कि संगमित्रा मौर्य ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने खुद को अविवाहित दिखाया है। मामला फिलहाल MP MLA कोर्ट में धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का है। संगमित्रा मौर्य पर धोखाधड़ी का आरोप के बाद साक्ष्य के तौर पर दीपक कुमार ने अदालत को हलफनामे की प्रमाणित पत्री भी पेश की है, जिसमें संगमित्रा मौर्य ने चुनाव आयोग के दौरान दिए जाने वाले शपथ पत्र में अपने आप को अविवाहित दिखाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और परिवार की जानकारी में दीपक और संगमित्रा लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद शादी किए थे, लेकिन संगमित्रा मौर्य के सांसद बनने के बाद खुद संगमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य दीपक कुमार की जान के दुश्मन बन बैठे थे। उन पर कई बार हमले भी किया जा चुका है। बता दें कि दीपक कुमार पेशे से एक पत्रकार हैं।